दोस्तों शेयर बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अगर आप देखेंगे कि बीएसई और सेंसेक्स बहुत बुरी तरह से गिरे हैं आज के दिन। 980.93 पॉइंट आज सेंसेक्स डाउन हुआ है, 1.61% की बड़ी गिरावट है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आप समझ सकते हैं, नहीं संभल रहा है शेयर बाजार। कोरोना की आहट से आज फिर बड़ी गिरावट, अब तक सेंसेक्स 3500 अंक टूट चुका है। स्टॉक मार्केट क्रैश, सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में एक बार फिर भूचाल आया है। सेंसेक्स 620.66 अंक टूटकर 60205.56 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी में भी 158.55 अंकों की गिरावट आई है और ये 18,000 के नीचे स्तर 17,968.80 पर पहुंच गया है। और इसके पीछे जो रीज़न है दोस्तों वो बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए कोरोना के बढ़ते मामलों का असर भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों पर पड़ रहा है। घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला बीते 3 दिनों से लगातार जारी है। शुक्रवार को भी मार्केट की शुरुआत में लाल निशान पर हुई। कारोबारी शुरुआत होने के कुछ ही मिनटों में सेंसेक्स और निफ्टी धराशायी हो गए। सेंसेक्स 620 जैसा कि मैंने आपको बताया गुरुवार को भी आई थी इतनी बड़ी गिरावट। बीते कारोबारी दिन गुरुवार को भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में 241.02 अंक का गिरावट देखने को मिला था। तो देखिए दोस्तों कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, मार्केट में गिरावट आना बिल्कुल तय है। तो अलर्ट रहिएगा, शेयर बाजार और भी ज़्यादा क्रैश हो सकता है।